राम राम जी सारे, ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करांगे आप रिएपीयर के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके बारे में। तो मेनली एक जनरल प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को कि किसके आपकी फीस नहीं कट रही है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको ईईसी आया था अभी, जो मतलब यूएमसी वगैरह हुई थी, लेकिन उनका क्या है कि अभी सिर्फ आपके दो पेपर दिखा रहे जिनमें यूएमसी बनी है, एक पेपर दिखा रहा है जिसमें यूएमसी बनी है, बाकी जो और पेपर बच गए उनमें आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा। सो इसके बारे में आपको पहले बता दूँ, और उसके साथ साथ बात करेंगे कि आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है आपके रिएपीयर फॉर्म की, वो 10 नवंबर है। उसके साथ साथ अगर कोई बच्चा उस टाइम पे भी आपका रिपीट का फॉर्म नहीं भर सकता, तो लेट फीस देख के वो किस टाइम तक आपके फॉर्म में वो भर सकता है, ठीक है। सो इन चीजों के बारे में वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और भाई जो भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे, तो हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। हर छोटी छोटी खबरें उस पर आती रहेंगी जो यूट्यूब पे भी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो अगर आपका कोई भी पर्सनल डाउट रहता है तो आप वहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमें, और वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको आईडी में दिख रही होगी। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका रिपीट का फॉर्म भरते टाइम आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको रिपीट का फॉर्म भरते टाइम अगर आपके मतलब सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रही या फिर आपकी फीस नहीं कट रही है, आप संडे तक वेट करो, आप दोबारा से बार बार करके देख लो उस चीज को। अगर वो चीज नहीं हो रही, आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो आप एमडीयू में जा सकते हो। एमडीयू में जो आपका परीक्षा सदन है उसके सामने डिस्टेंस डिपार्टमेंट के अंदर हेल्प डेस्क है, एमडीयू हेल्प डेस्क, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, वो आपका सोल्यूशन कर देंगे, बाई एंड कर देंगे या फिर 1 या 2 घंटे तक आपका सोल्यूशन कर देंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म में वो भर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी रिपीट का फॉर्म नहीं भर सकते, तो उनको बता दिया कि आपको 10 नवंबर तक आप रिपीट का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 10 नवंबर तक रिपीट का फॉर्म नहीं भर सकते, तो आप 500 रुपये लेट फीस देके आप 17 नवंबर तक अपना रिपीट का फॉर्म भर सकते हो, यानी कि 700 रुपये आपके रिपीट के और 500 लेट फीस। उसके बाद अगर आप 17 तारीख तक भी आपका रिपीट का फॉर्म नहीं भर सकते हो, कोई भी मतलब मेजर इश्यू हो सकता है, आपका पर्सनल इश्यू कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा आप 24 नवंबर तक 1000 रुपये लेट फीस देके भी अपना रिपीट का फॉर्म भर सकते हो। रिपीट का फॉर्म आपका एमडी की वेबसाइट पे भरा जाएगा, एमडी स्टूडेंट पोर्टल में आप लॉग इन करके। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है स्पेशल की हाउ टू फिल एमडी रिपीट फॉर्म, आप घर पर भी भर सकते हो उस फॉर्म को, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर देना, आज सभी के कमेंट्स के रिप्लाई दे देंगे। रात को 3-4 दिन के पहले पेंडिंग बच्चे हो भाई, तो थोड़ा सा गुस्सा मत होया करो कि रिप्लाई ना देता, थोड़ा सा मैं भी काम में फंसे रहा था इस वजह से आपके रिप्लाई ना आ पा रहे थे। आज सभी के रिप्लाई दे दी जाएंगे, आगे आपके कंटिन्यू रिप्लाई आते रहेंगे। रात को 12-1 बजे तक का वेट करो, सबके रिप्लाई दे देंगे आज। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, और भाई इंस्टाग्राम वाला पेज को फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए राम राम।